जी बेटा देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। हेलो जी सर, जी सर। क्वेश्चन ये है कि अमोनियम सल्फेट इज वाइडली यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन ऑर्डर टू डिटरमिन इट्स परसेंटेज प्योरिटी। अ सैंपल ऑफ अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर वाज एनालाइज्ड बाय रिएक्टिंग अ नोन अमाउंट विद एन एक्सेस ऑफ NaOH एंड देन टाइट्रेटिंग विद अनरिएक्टेड NO। चलिए ये साथ साथ वो आपको बताया जाएगा। बेटा मेरी बात सुनिए, अमोनियम जो होता है ना, अमोनियम NH4+, इसकी नेचर होती है एसिडिक। अमोनियम एसिडिक इन नेचर होता है, क्यों? क्योंकि इट हैज़ दी एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। अमोनियम के पास बेटा एच आयन डोनेट करने की एबिलिटी होती है, इसलिए अमोनियम के जितने भी कंपाउंड होंगे वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। यही रीज़न है बेटा, देखें वो अमोनियम के कंपाउंड को किससे रिएक्शन करवा रहा है, NaOH से रिएक्शन करवा रहा है, क्योंकि अमोनियम आयन हैज़ दी एबिलिटी टू डोनेट दी प्रोटॉन। इसका बेटा पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होगा इसका। अमोनियम सल्फेट और NaOH का रिएक्शन होगा। बेटा कितने मोल, यहाँ कितने अमोनियम है? दो अमोनियम है, तो ये 2 मोल अमोनिया बनाएंगे, राइट? और क्या बेटा बनेगा यहाँ पर? बेटा ये सोडियम है और ये सल्फेट, तो Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट। और बेटा यहाँ पर क्या बनेगा? 2 OH है ना, 2 OH है, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये तो होगी बेटा आपकी क्वेरी। और आप देख लें इसमें जो H2O अमोनियम सल्फेट है ये इम्प्योर लिया हुआ है, अमोनियम सल्फेट उसने इम्प्योर लिया हुआ है। बेसिकली आपका काम यही होगा कि आप इसमें परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। NaOH और अमोनियम सल्फेट में मोलर रेशियो क्या उसने बताई हुई है कि 1:2 है। 1 मोल अमोनियम सल्फेट का यूज होगा तो 2 मोल अमोनियम के यूज हो रहे हैं, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है अब कि आपने 5 ग्राम सैंपल लिया फर्टिलाइजर का, ये जो इम्प्योर बेटा आपने लिया है ना अमोनियम सल्फेट, ये 5 ग्राम है, इसको वार्म किया, और इसका रिएक्शन किया विद 50 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्सेस ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaOH। When all the ammonia had been driven off, the solution was cooled. अच्छा बेटा ये जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्या एक्सेस में लिया उस एनएओएच, तो रिएक्शन कंप्लीट होगा और चीज क्या होगी जी बेटा? रिएक्शन रिएक्शन यस सर। हाँ जी बेटा। हेलो यस सर, आखिर में NaOH रह जाएगा क्योंकि वो एक्सेस में है ना। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको जो 15 मिनट पहले का बेटा सेशन था उसमें बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के बारे में अगर कंसंट्रेशन गिवन हो और उसका वॉल्यूम गिवन हो तो आप फौरन मोल निकाल सकते हैं। तो देखिए वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग NaOH है उसकी टाइट्रेशन आपने की HCl के साथ, तो कितना HCl यूज हुआ? 31.2। तो पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, बैलेंस इक्वेशन बिटवीन द NaOH एंड HCl, ये 1 मार्क आपका फ्री का है बेटा। NaOH प्लस HCl इट गिव्स NaCl प्लस वाटर, 1:1 रेशियो है। बेसिकली ये आपको करवाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ गया, यहाँ 1:1 रेशियो है। सबसे पहला काम HCl के मोल निकालेंगे भाई, क्योंकि आपको बताया है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि आपको HCl की कंसेंट्रेशन भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। बेटा कैसे निकालते हैं मोल? देखें ये जो क्यूबिक डेसीमीटर है ना, आपको मैं बताता हूँ कि आप इसको 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर कहा करें, क्योंकि
कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप ये कहेंगे कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आप लें HCl के, तो उसमें मोल कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, 1.00 मोल। लेकिन बेटा आपने HCl का कितना वॉल्यूम यूज़ किया टू न्यूट्रलाइज द NaOH, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है 31.2 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने यूज़ किया है वॉल्यूम, तो इसमें कितने मोल आएंगे? X मोल आएंगे। यहाँ से बेटा अगर आप क्रिस क्रॉस कर लें तो X इज इक्वल टू 31.2 × 1.00 / 1000। और अगर किसी बच्चे को रेशियो समझ नहीं आई तो वो ये फार्मूला यूज़ कर सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। बेटा कंसेंट्रेशन कितनी है क्वेश्चन से उठा कर देख लें, 1 है, इनटू वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना वॉल्यूम है? 31.2 डिवाइडेड बाय 1000। तो आप देखेंगे ये रेशो और फार्मूला एक ही चीज़ बन गया। कोई बच्चा मुझे मोल बता सकता है HCl के कैलकुलेट करके, कितने मोल आए हैं भाई HCl के? 0.0312। ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले कि मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.0312। ये बेटा मोल्स आ गए HCl के। अब अगला स्टेप क्या है बेटा? आपने ये बताना है कि ये जो HCl के साथ आपने टाइट्रेशन की थी ना रिमेनिंग NaOH की, तो NaOH के कितने मोल होंगे बेटा? इक्वेशन देखिए, मोलर रेशियो क्या है HCl और NaOH की? नहीं बल्कि वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ NaOH। आपने टोटल मोल निकालने बेटा, अभी रिमेनिंग उसको छोड़ दे। अभी क्वेश्चन पर अगर हम आए तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaOH इन 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए यहां पर भी आपने क्या करना है बेटा, टोटल मोल्स ऑफ NaOH निकालने हैं। फिलहाल टोटल मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि आप वो NaOH के मोल निकालें जिसने HCl के साथ रिएक्शन किया। बेटा क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा, क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास NaOH है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये कंसेंट्रेशन है, मोल निकालें। बेटा वही तरीका है, या फॉर्मूला लगा लें या रेशो बना लें। रेशो कैसे बनाएंगे देखें, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 मोल है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 मोल्स आ रहे, तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में x आएंगे। तो x इज इक्वल टू 50 × 2 / 1000। तो बेटा क्या आंसर आएगा भाई? 0.1। ये बेटा आपके पास टोटल मोल्स हैं, दीज आर दी टोटल मोल्स ऑफ NaOH जो आपने एक्सेस में लिए हुए थे, ये वो हैं बेटा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाए, यूज योर आंसर टू 1, 2, and 3। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ NaOH यूज्ड अप इन दिस रिएक्शन। अब मेरी बात बेटा सुने बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन, ये पार्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं बेटा, मुझे ये बताएं कि आपने जो रिमेनिंग NaOH था ना, ये देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है रिमेनिंग NaOH, अगर आपको नजर आ रहा है रिमेनिंग NaOH, जो NaOH बच गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने HCl यूज किया भाई। HCl के कितने मोल निकले थे? कोई बच्चा मुझे बता दे, ये लिखे हुए HCl के कितने मोल बेटा यूज किए थे रिमेनिंग NaOH को यूज? 0.0312। तो मुझे बता सकते हैं आप कि NaOH फिर कितना बचा होगा? ये बता दें कि NaOH के भी इतने ही मोल यूज हुए होंगे ना, क्योंकि 1:1 रेशियो है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड विद HCl। बेटा वो ये NaOH के वो मोल्स हैं जिन्होंने HCl से रिएक्शन किया, और ये आएंगे 0.0312। रीज़न क्या है बेटा? रीज़न ये है कि HCl और NaOH में मोलर रेशो 1:1 है, जितने मोल HCl के यूज़ होंगे उतने NaOH के, तो HCl के यूज़ हुए थे 0.0312, NaOH के भी इतने होंगे। अच्छा NaOH के टोटल मोल कितने थे बेटा, ज़रा टोटल मोल देख लें। टोटल मोल्स हैं ना NaOH, यस बेटा, टोटल मोल्स ऑफ NaOH जो आपने स्टार्टिंग में लिए थे बेटा, इनिशियली जो आपने लिए थे, दैट इज 0.1। अब बेटा देखें 0.1 आपने लिए थे टोटल, ठीक है, और ये आपके वो मोल्स थे बेटा जो ऊपर आपने निकाले हैं 0.0312, जिन्होंने HCl के साथ रिएक्शन किया। मुझे आप बता सकते हैं कि वो कौन से मोल्स होंगे जिन्होंने अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया भाई?
वो कौन से मोल होंगे? माइनस कर देंगे यस बेटा, ये देखिए, सर, टोटल माइनस स्क्वेयर के साथ ये रिएक्ट बेटा किए। फिर सुने, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया पॉइंट, कि ये 0.1 मोल्स NaOH के थे टोटल, राइट? और ये जो मोल्स हैं ऊपर, ये वो मोल्स हैं NaOH के जिन्होंने HCl के साथ रिएक्शन किया। इसका डिफरेंस बेटा, इसका अगर आप डिफरेंस निकालें ना, तो इसका डिफरेंस वो मोल्स होंगे जिन्होंने NH4 ट्वाइस SO4 के साथ रिएक्शन किया, NH4 ट्वाइस SO4 के साथ। तो बेटा मैं यहां लिखने जा रहा हूं, मोल्स ऑफ NaOH जिन्होंने रिएक्शन किया एक्टेड विद NH4 होल ट्वाइस SO4। बेटा ये आ जाएगा 0.1 टोटल थे, जितने HCl ने यूज किया उसको माइनस करें, 0.0312 भाई, 0.0312, तो आपके पास कितने मोल्स आएंगे? 0.1 माइनस जीरो पॉइंट 0.031। जीरो यस बेटा, सर, 0.0688। 0.068। ये बेटा वो मोल्स हैं किसके? NaOH के। ये NaOH के मोल्स आए हैं जिन्होंने अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन किया है बेटा। तो देखें, ये आपका आंसर आ गया। यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ NaOH यूज्ड अप इन द रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के साथ इन मोल्स ने रिएक्शन किया है, 0.00688। अब आगे आ जाए, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब बताएं बेटा, ये जो ऊपर मोल हमने निकाले ना, ये मोल्स NaOH के हैं। ये मोल्स किसके हैं? NaOH के हैं। इसके ऊपर जरा इक्वेशन, मेन इक्वेशन पर आ जाएं। ये जो अभी हमने मोल निकाले हैं बेटा 0.0688, ये आपने NaOH के मोल निकाले हैं, 0.0688। ये NaOH के वो मोल्स हैं जिन्होंने अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन किया। अब 2:1 है, जितने मोल NaOH के यूज होंगे अमोनियम सल्फेट का, उसका हाफ यूज होंगे। तो अमोनियम सल्फेट के कितने मोल यूज होंगे बेटा? 2:1 कर दें, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। डिवाइड बाय टू सर, यस बेटा, तो मोल्स आंसर आ ऑफ, रहे हैं 0.0342। ठीक है बेटा, मोल्स ऑफ NH4 ट्वाइस SO4 इज इक्वल टू 0.0688 डिवाइडेड बाय 2, और अलीना ने जो आंसर बताया 0.0344, 0.0344। ये बेटा अमोनियम सल्फेट के मोल आ गए। अब इन मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना है, बड़ा आसान है, मोल को मैस में कन्वर्ट करना है। ये देखें, मोल्स इज इक्वल टू, रेशो भी कर सकते हैं आप, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मैस। मोल्स कितने हैं बेटा आपके पास? 0.0344। मैस इन ग्राम आपने बेटा फाइंड आउट करना है, और अमोनियम सल्फेट का बेटा आपने फॉर्मूला मैस निकालना है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला मैस कितना होता है भाई? 132 होता है या नहीं? 132 जी सर, 132 बेटा। तो आप 132 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, 132 टाइम्स 0.0344, तो आपके पास बेटा इसका आंसर आएगा 132 फोर टाइम्स पॉइंट फोर 0.0344 फोर ना रहे? हाँ, 4.54 बेटा। ये आपके पास रियल प्योर अमोनियम सल्फेट था जिसने NaOH के साथ रिएक्शन किया है। आपने टोटल अमोनियम सल्फेट कितना लिया है, जरा ऊपर क्वेश्चन पर आए भाई। टोटल अमोनियम सल्फेट जो आपने लिया है ना, वो कह रहा है 5 ग्राम लिया आपने। टोटल कितना लिया है भाई? 5 ग्राम। लेकिन देखें, अमोनियम सल्फेट के अंदर इम्प्यूरिटीज थी, तो प्योर अमोनियम कितना था जिसने NaOH के साथ रिएक्शन किया? बेटा प्योर अमोनियम ये आपने निकाला है 4.54। ये आपके पास प्योर था, प्योर NH4, क्योंकि ये बेटा एसिडिक इन नेचर है ना, तो बाकी इंप्यूरिटीज तो रिएक्शन नहीं करेंगे NaOH के साथ, ये एसिड ही रिएक्शन करेगा। तो प्योर NaOH का मैस है 4.54 ग्राम्स, और बेटा जो टोटल NH4 था, टोटल अमोनियम सल्फेट का जो मैस था, वो आपके पास आ रहा है बेटा 5.00 ग्राम। आपने परसेंटेज इंप्यूरिटी निकालनी है बेटा। परसेंटेज इंप्यूरिटी निकालने का तरीका ये होता है कि जो प्योर मैस होता है या जो कम वाला मैस है उसको ऊपर रखें, टोटल मैस को बेटा नीचे रखें, इंटू 100 कर दें, तो आपके पास परसेंटेज इंप्योरिटी आ जाएगी। कितनी आ रही है भाई? ये सर 90.8।
ठीक है बेटा, 4.54 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 5, 90.8 आ रही है बेटा। तो ये आपका आंसर है बेटा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। बैक कि क्या है, एक चीज आपने एक्सेस में ली हुई थी, देखिए एनएओएच आपने क्या किया कि एनएओएच जो एक्सेस में लिया हुआ था ना, उसको पहले अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करवाया, जितना एनएओएच बच गया आपने फिर फाइंड आउट किया कि कितना एनएओएच बचा, और फिर ये भी फाइंड आउट किया कि स्टार्टिंग में कितना लिया है। बेटा ये दो पॉइंट समझे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में कितना एनएओएच था वो यहां से निकाल लेंगे बेटा, ये स्टार्टिंग में, ठीक है, और कितना बचा वो कैसे निकालेंगे कि जो रिमेनिंग एनएओएच है जब आप उसकी टाइट्रेशन करवाएंगे ना एचसीएल के साथ, क्योंकि एचसीएल के मोल गिवन होंगे तो उसके हेल्प से आपको एनएओएच के मोल पता चल जाएंगे कि रिमेनिंग एनएओएच कितना था। तो टोटल भी आपको पता चल गया, रिमेनिंग भी पता चल गया, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वो मोल्स आ जाएंगे जिन्होंने NH4 ट्वाइस SO4 के साथ रिएक्शन किया होगा, और फिर आप NH4 ट्वाइस SO4 के मोल्स निकाल कर उसको मैस में कन्वर्ट करके फिर आप बेटा उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। बेटा अब आप लोग इस तरह करें, आप लोगों के पास बुकलेट है तो आप लोग बेटा आज, मैं कल भी बेटा यही